गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फूड गुड फूड हैबिट्स को हाफ स्टडी किया था। आज हम रिमेनिंग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को डेट एंड डे मेंशन करना है। हम पढ़ रहे थे जो फूड हैबिट्स है क्या क्या होनी चाहिए ना, प्रॉपर फूड हैबिट्स क्या होती, तो उसमें हमने पढ़ा था फूड एट फिक्स टाइम, हमें फिक्स टाइम पर खाना खाना चाहिए, क्लीन फूड यूज़ करना चाहिए एंड अनकवर्ड फूड यूज़ नहीं करना चाहिए। एट द डाइनिंग टेबल हमें फूड कहाँ खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे। वी मस्ट ईट ओनली एट ए क्लीन एंड नीट प्लेस, हमें हमेशा एक नीट एंड क्लीन प्लेस पे ही खाना खाना चाहिए ना। वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, हमें खाने के पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ धोने ही चाहिए ना। वी मस्ट च्यू अवर फूड नाइसली एंड ईट स्लोली, हमें अच्छे से फूड को चबाना चाहिए और धीरे धीरे खाना चाहिए। वी शुड नाइदर टॉक नॉट लाफ वाइल ईटिंग, जब भी हम खा रहे हो तो हमें बातें नहीं करनी चाहिए ना ही हंसना चाहिए। वी शुड ऑलवेज यूज क्लीन प्लेट्स एंड डिशेस, हमें हमेशा क्लीन प्लेट्स और डिशेस का यूज़ करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज ईट न्यूट्रिशियस एंड फ्रेश एंड बैलेंस्ड फूड। वी शुड नॉट वेस्ट फूड आइटम्स बिकॉज ऑल फूड ग्रेन्स आर वैल्यूबल, हमें कभी भी फूड आइटम्स को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि सारे फूड आइटम्स क्या होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं वैल्यूबल होते हैं। बाइट्स ऑफ फूड आर ऑफन स्टक बिटवीन अवर टीथ, अक्सर क्या होता है कि वो बाइट जो बाइट ऑफ फूड है जो हमारे टीथ में फंस जाती है, अटक जाती है। देयरफॉर वी मस्ट क्लीन अवर टीथ आफ्टर एवरी मील, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा खाने के बाद क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए ना, क्लीन करना चाहिए अपना टीथ। वी शुड रिंस अवर माउथ विथ क्लीन वाटर एवरी टाइम आफ्टर ईटिंग फूड, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए क्लीन वाटर से जब भी हम खाना खाते हैं ना। वी मस्ट डेवलप गुड फूड हैबिट्स टू रिमेन हेल्दी, हमें क्या करना चाहिए, गुड फूड हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए। वी शुड नेवर ओवर ईट, हमें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी हमारी गुड फूड हैबिट्स थी। ड्रिंकिंग मिल्क एवरी डे मेक्स अवर बॉन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, अगर हम डेली दूध पीते तो ये हमारी बॉन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है। हमने क्या पढ़ा उससे हम वापस रिकैप करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइजेनिक फूड मेक अस हेल्दी, अलग अलग तरह का जो हाइजेनिक फूड होता है हमें हेल्दी बनाता है। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो एंड गिव एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, फूड हमें हेल्प करता है ग्रो होने के लिए और एनर्जी देता है, किस लिए देता है, वर्क एंड प्ले के लिए। वी मस्ट ड्रिंक इनफ वाटर डेली, हमें डेली इनफ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।